कोरोना महामारी से निपटने के लिए वैक्सीन बनाने की रेस में पूरी दुनिया के वैज्ञानिक दिन रात लगे हुए हैं। ऐसे में रूस के द्वारा तैयार की गई वैक्सीन स्पुतनिक 5 का ट्रायल जल्द ही भारत में शुरू हो सकता है। स्पुतनिक 5 के ट्रायल को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत लगातार जारी है और जरूरी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद रूस की वैक्सीन स्पुतनिक 5 का जल्द भारत में ट्रायल शुरू हो सकता है। भारत के नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पाल ने 8 सितंबर को बताया कि स्पुतनिक 5 के ट्रायल को लेकर रूस ने भारत से संपर्क किया है और भारत में बड़े पैमाने पर उत्पादन को लेकर रूस ने पहल की है। डॉक्टर वीके पाल ने यह भी बताया कि रूस की वैक्सीन का ट्रायल भी भारत के लोगों पर ही किया जाएगा। वैक्सीन का असर भारत के लोगों पर परखना है ताकि उसे यहीं के अनुसार तैयार किया जा सके। इसके लिए पहले रेगुलेटर मतलब ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया की अनुमति जरूरी है। अनुमति मिलने के बाद ही भारत की कंपनी या संस्थान का चयन किया जाएगा। आपको जानकारी के लिए बता दें कि भारत में पहले से ही 3-4 कंपनियों के स्वदेशी वैक्सीन दूसरे चरण के ट्रायल में हैं, जबकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्सफोर्ड के वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल अगले हफ्ते तक होना संभव है। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।